विश्व पर्यावरण दिवस पर राजधानी जयपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में माय हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से पॉलिथीन बैग बंद करने की मुहिम से जुड़े कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। विद्याधरनगर के बियानी गर्ल्स कॉलेज के कॉन्फ्रेंस परिसर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने संस्था से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि आज न केवल देश में बल्कि विश्व भर में इस बात को लेकर चिंता है कि आखिर हम पर्यावरण को लेकर किस दिशा में जा रहे हैं। वहीं ट्रस्ट अध्यक्ष सूरज चोपड़ा ने बताया कि उनकी संस्था ने पॉलीथीन पर पाबंदी के साथ साथ वृक्षारोपण अभियान को भी हाथ में लिया है और वे अगले 5 सालों में लगभग 1 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथ ही 10 लाख परिवारों को पॉलीथीन मुक्त कराने का अभियान भी जारी है। पर्यावरण दिवस के ऊपर मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि इस पर्यावरण की शक्ति को देखते हुए हमें जागृत होने की ज़रूरत है, अन्यथा हमें वो दिन देखने पड़ेंगे जो बहुत सारे देशों ने अभी देख रहे हैं। हमें इसके ऊपर फाउंडेशन माई हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से हमने एक संस्था बनाई है और 1 जनवरी 2019 से हम इस मुहिम को आगे लेकर के जा रहे हैं और एक जन जागरण आम व्यक्ति को हम इसमें अवेयर कर रहे हैं कि पॉलीथीन का उपयोग आप क्यों नहीं करें और कपड़े का बैग आप क्यों